चंद्रपुर नाम के गांव में कावेरी नाम की एक महिला अपनी बेटी काव्या के साथ अकेली रहती थी। कावेरी की पति राज एक सरकारी बस के ड्राइवर थे और उनकी मौत बस के ब्रेक्स फेल होने की वजह से हुई थी। अपने पति की मौत के बाद कावेरी को सरकार की तरफ से कंडक्टर की नौकरी और कुछ पैसे मिले थे। कावेरी और उसकी बेटी को राज की मौत से काफी दुखी थी, लेकिन राज की मौत के बाद भी उन्हें कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं हुई। कावेरी सुबह जल्दी उठकर घर का काम कर लेती थी और सुबह नाश्ता बनाकर काव्या को उठाती थी। काव्या बेटा, जल्दी से उठकर मुंह हाथ धो लो, नाश्ता तैयार है। ठीक है माँ। काव्या उठकर रेडी होती और दोनों माँ बेटियाँ साथ मिलकर नाश्ता करने के बाद एक साथ बाहर निकलते हैं। कावेरी ड्यूटी के लिए बस स्टॉप चली जाती है। काव्या पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाती है। काव्या एक होशियारी लड़की है और हमेशा पढ़ाई में सबसे आगे रहती है। काव्या को रसायन के विज्ञान में काफी रुचि थी, इसीलिए वो अपने खाली समय में या रसायन की कक्षा में हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करती रहती थी। ऐसे ही हर दिन की तरह कावेरी अपनी ड्यूटी पर जाती है और काव्या कॉलेज जाकर हर दिन की तरह प्रयोग कर रही होती है कि अचानक से उसके प्रयोगशाला में एक जोरदार विस्फोट होता है। इतनी बड़ी आवाज सुनकर सभी छात्र और शिक्षक प्रयोगशाला में भाग कर आते हैं और काव्या को उठकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। काव्या के स्कूल की प्रिंसिपल उसकी माँ को कॉल करते हैं। कावेरी, क्या आप शहर में ही है? हाँ मास्टर जी, क्यों? बिना कोई सवाल किए जल्दी से स्कूल के पास वाले हॉस्पिटल आ जाइए। ये कहकर प्रिंसिपल फोन काट देते हैं। काव्या की माँ घबराते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है और प्रिंसिपल से सवाल करने लगती है। क्या बात है, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? काव्या लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और अचानक से प्रयोगशाला में एक विस्फोट हुआ और काव्या घायल हो गई थी। डॉक्टर सभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर कावेरी के होश उड़ जाते हैं और रोने लगती हैं। कुछ देर बाद उदास चेहरा लेकर डॉक्टर बाहर निकलते हैं। लड़की ठीक तो है ना? लड़की तो ठीक है, लेकिन उसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी है। उसे 20 सेंटीमीटर से आगे कुछ नहीं दिखेगा और 20 सेंटीमीटर के अंदर जो भी दिखेगा वो सिर्फ काले और सफेद रंग में ही दिखेगा। आई एम सॉरी बट लड़की ऑलमोस्ट अंधी हो गई है। मेरी बेटी अंधी नहीं है। कावेरी काव्या का इलाज खत्म होने के बाद उसे घर लेकर जाती है और अपना काम बंद करके हमेशा काव्या के साथ ही रहकर उसकी देखभाल करती है और काव्या के इलाज के लिए सबसे सलाह लेती रहती है। कावेरी अपनी सहेली के साथ, काव्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ कावेरी। क्या तुम किसी अच्छे डॉक्टर को जानती हो जो काव्या का इलाज कर सके? माफ करना कावेरी, लेकिन काव्या का इलाज
सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है। किसी और की आंखें काव्या को लगानी होंगी। कावेरी अपनी सहेली बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। कावेरी अपनी बेटी की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो तय कर लेती है कि अपनी आंखें काव्या को देगी। चलो बेटा, हमें देरी हो रही है। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बेटा, तुम्हारे आंखों के लिए एक डोनर मिल गया है। सच में? हाँ बेटा, सच में। कावेरी अपनी बेटी से ये बात छुपाती है कि वही उसे अपनी आंखें दे रही है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर्स काव्या की आंखें निकलकर कावेरी को लगा देते हैं और कावेरी की आंखें काव्या को। ऑपरेशन खत्म होने के बाद काव्या पहले अपनी माँ को देखने की इच्छा करती है। माँ कहाँ है? वो अगले कमरे में है। अगले कमरे में क्यों? उन्हें क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है मैडम, लेकिन आपको आके डोनेट करने वाली आपकी माँ ही है, इसीलिए वो अगले कमरे में है। ये बात सुनकर काव्या रोने लगती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है। ये सब करने की क्या जरूरत थी माँ? जैसे तैसे करके मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ ना? मेरा क्या है बेटा, मैं तो वैसे ही बूढ़ी हो रही हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है, देर सारा भविष्य बाकी पड़ा है ना। काव्या अपनी माँ को घर लेकर जाती है और वो घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करते हुए अपनी माँ का ख्याल रखती है। माँ के प्यार में सुकून है, इसे हासिल करने की जरूरत नहीं है, इसके काबिल होने की नहीं है। गाजर और मूली आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये क्या है सर? तुम्हारा सैलरी है? अबे वो मुझे भी पता है, लेकिन ये सिर्फ 29 डेज की ही सैलरी है, बाकी 2 डेज की सैलरी कहाँ है? शांत मौली, तू रोज सुबह 5 मिनट लेट आता है और 10 मिनट के पहले ही निकल जाता है। डेली का 15 मिनट, महीने का 6 घंटे, तेरा ड्यूटी 6 घंटे का है, रोज का 15 मिनट, महीने का 1 दिन हुआ। ठीक है सेठ जी, फिर भी एक और दिन है ना? मेरे मामा की बेटी की साली की बहन जी की शादी में आने के लिए तूने ही तो छुट्टी ली थी। लेकिन सेठ जी, वो छुट्टी तो आपने। सब भूल जा, कल हमेशा की तरह 5 मिनट लेट आ जा। ठीक है। ये कहकर वहाँ से जाते हुए अपने आप में, तुझे तो मैं कल देख लूंगा गाजर के हलवे। ये दो नमूने हैं आज की गाजर और मूली। जैसे कि आपने देखा, गाजर मूली का कंजूस बॉस है। गाजर ने मूली के 2 दिन की मेहनत की पैसे थक लिए। तो आइए देखते हैं मूली गाजर को कैसे सबक सिखाता है। अगले दिन सुबह, बस आज मैं टाइम पर आया हूँ। 1 मिनट और 40 सेकंड लेट। ओके। हेलो गाजर स्पीकिंग। जी जी,
हाँ, टमेटो फूड डिलीवरी ही है। ओके, जट से जा और फट से एक पिज्जा डिलीवरी करके आ। मूली पिज्जा लेकर डिलीवरी करने के लिए जट है। मैडम, 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 दम 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 मैडम। कौन है बे बदतमीज? मैडम आपका पिज्जा। मैडम हमारे बॉस ने कहा है आप जैसे लोग महंगे महंगे पिज्जा ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी के टाइम पर डोर नहीं खोलते, इसलिए मैं शोर कर रहा था। तेरे बॉस ने नाना के टांग, कहां पर है वो? वो अभी ऑफिस में नहीं है, अगर आपको उन्हें बगा बगा कर मारना है तो ठीक 6 बजे ऑफिस आ जाना। मौली, ये मेरे बेन आग क्यों पकड़ रही है सुबह से? मुंह नहीं धोया होगा आपने सुबह से। बहुत हो गया बात है, चुपचाप जाकर एक चिकन करी डिलीवरी करके आ। हेलो सर, टमाटो डिलीवरी से बात कर रहा हूँ, ये काली गली नींबू के पेड़ के पास खड़ा हूँ। पीछे देख, पीछे कुछ भी तो नहीं है मेरे पीछे। अरे छोटा, पीछे मतलब सिर्फ तेरे पीछे ना है, पूरे पीछे देख। कोई चिंपांजी के शक्ल लेकर हाथ बटा रहा है। सर आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, चुपचाप नींबू के पेड़ के पास आ जाओ, वरना हमारे गाजर सेठ आपका हलवा बना देंगे। अरे पागल, वो चिंपांजी के शक्ल वाला मैं ही हूँ, एक बार ये गेट खुल जाए फिर बताता हूँ तुझे। ठीक है, आज शाम 6 बजे ऑफिस आ जा, मेरे बॉस देख लेंगे तुझे। अबे करी तो देते जा। गाजर, गाजर सेठ नेक्स्ट ऑर्डर दो जल्दी से। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहा है। वो क्या है ना सेठ जी, वो सब चोट पिज्जा डिलीवरी करके आ बाग। ओके। मूली दिन भर ऐसे अजीब अजीब काम करते हुए कस्टमर्स को परेशान करता है और गाजर के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करता है। आइए देखते हैं शाम 6 बजे क्या होने वाला है। सेठ जी, मैं रोज की तरह आज भी 10 मिनट पहले जा रहा हूँ। कौन हो बे तुम लोग, ऐसे कैसे घुस रहे हो अंदर? भागो यहाँ से। यहाँ गाजर कौन है बे?
मैं ही गाजर हूँ, तू कौन है? मैं तुझे शो ऑफ करने वाले लगती हूँ? हाँ थोड़े बहुत। मैं तुझे स्क्रैप वाले लगती हूँ हलवे? हाँ थोड़े बहुत। मारो इस कमीने को। सब गाजर को खूब मारते हैं। गाजर छाने बेच रहा है। कैसे चल रहा है बिजनेस सेठ जी? तू यहाँ क्यों आया है? मेरे कंपनी में काम करोगे क्या? तेरे कौन से कंपनी है? पोटैटो फूड डिलीवरी। हा 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 हा।